इस बीच में आपको बताती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो पहले कई बार एक देश एक चुनाव के मुद्दे का जिक्र कर चुके हैं। तारीख थी 26 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि यह सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये नए भारत की जरूरत है। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना हो। एक देश एक चुनाव चर्चा जो है वो बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है। सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। कमेटी की और डिटेल्स को लेकर नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि आज ही जारी कर दिया जाएगा और साथ ही वो विशेष सत्र संसद का जो सरकार की तरफ से सितंबर में बुलाया गया है, इस सबको अगर जोड़ा जाए। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करती हूँ। नीरज, आपके पास आ रही हूँ। पहले इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल वो देश का चुनाव, 24 का चुनाव, क्या इस पर इसका सीधा असर कुछ पड़ सकता है? क्या इतनी तेजी से ये पूरा मामला आगे बढ़ सकता है कि बदलाव अगर हो तो 24 चुनाव से ही वो देखने के लिए मिल जाए? नीरज, देखिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है वो कमोबेश होना है अप्रैल मई में, और उस चुनाव से पहले पूरे देश में करीब 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें बहुत ही मेजर स्टेट हैं, बड़े स्टेट हैं, बहुत बड़ा भूभाग है भारत का जिनमें चुनाव होना है। तेलंगाना में चुनाव होना है आपका, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, राजस्थान में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है। तो ये ऐसे कई महत्वपूर्ण राज्य हैं जो देश के बहुत बड़े भूभाग को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप देखें तो 2024 के अंत में भी 3 राज्यों के चुनाव हैं, तो यानी कि अगर आप पूरे देश में देखें तो करीब 15 ऐसे राज्य हैं जो 2024 के अंत तक यानी दिसंबर तक उनमें विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये संभव है कि आप लोकसभा के साथ उन 15 राज्यों के विधानसभा चुनावों को आगे पीछे करके कराया जा सकता है। दूसरा जो सवाल है कि यदि जो बाकी जो राज्य बचते हैं वो महज करीब 11 ऐसे राज्य हैं जहां पे इलेक्शन या 12 राज्य हैं जो बचते हैं, तो उनके साथ कंसेंसस करके कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है या उनके साथ कुछ ऐसी बातें की जा सकती हैं कि उनके कार्यकाल को अगले कार्यकाल में शिफ्ट कर दिया जाए और कुछ कार्यकाल उनको बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से करके एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी कर्नाटक का चुनाव हो चुका है, वो महज अभी 3 महीने पहले हुआ। आपके पास कि साहब कानूनी पहलू इस पूरे मामले में क्या है कि वो विधानसभाएं जिनका एक तरीके से जो टर्म है वो एंड होने वाला है और ऐसे में चुनाव आयोग पर जो जिम्मेदारी होती है कि वो तय वक्त पर चुनाव कराए, तो क्या उसमें तब्दीली जो है वो भी क्या बिना संविधान संशोधन के की जा सकती है या फिर उसके लिए संविधान संशोधन तो पहले करना ही होगा? और साथ ही क्या राजनीतिक तौर पर एक आम सहमति इस दिशा में बन पाएगी, क्योंकि वो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं उसमें राजस्थान वो राज्य है जहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना वो राज्य है जहां पर BRS की सरकार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।